महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुए भारी सियासी उठापटक के बीच 5 जुलाई की तारीख तय हुई थी शक्ति परीक्षण के लिए। शक्ति परीक्षण एनसीपी पार्टी के दोनों गुटों के बीच, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट, और 5 जुलाई को इन दोनों ही नेताओं ने, यानी शरद पवार और अजित पवार ने, अलग अलग बैठकें रखी। बैठकों में अपने अपने तमाम समर्थकों को बुलाया, उन सभी विधायकों को बुलाया जिसका ये दोनों अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, और आखिर में नतीजा ये निकला कि अजित पवार की बैठक में अभी तक 27 विधायकों के पहुंचने की खबर आ रही है। वहीं शरद पवार की बैठक में अभी तक 6 एनसीपी विधायकों के ही पहुंचने की खबर है। हालांकि नंबर्स में भले अजित पवार आगे दिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर उनके उस नंबर से कम है जो उन्होंने शपथ ग्रहण वाले दिन दिए थे। शपथ ग्रहण वाले दिन अजित पवार उनके तमाम समर्थकों ने दावा किया था कि उनके साथ 35 से 40 विधायक हैं, लेकिन अब जब बैठक बुलाई गई है तो खबर आ रही है कि 27 विधायक ही अजित पवार की बुलाई इस बैठक में पहुंचे। हालांकि ये नंबर अभी भी उनके चाचा यानी शरद पवार की बुलाई बैठक से ज्यादा हैं, जिनकी बैठक में अभी तक 6 विधायकों के ही पहुंचने की खबर आ रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।